क्या दोस्तों आपका भी रियलमी का जो सेट है C11 वो हैंगिंग कर रहा है, लैग कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप बार बार गेम खेलते हैं, कोई भी पबजी वगैरह खेलते हैं, पबजी लाइट खेलते हैं, आप फ्री फायर भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कोई भी खेलते हैं, XYZ कोई भी आप गेम खेल रहे हैं और बार बार लैग कर जाता है, बार बार हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे बार बार इस पर जैसे हमने प्ले स्टोर पर यहाँ क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर पर इस तरीके से क्लिक किया था तो इतनी देर में ये प्ले स्टोर खोल रहा है। हम किसी को भी जैसे हमने यूट्यूब को ओपन किया, जैसे हमने यहाँ पे हमने सीधा इस तरीके से मैंने यूट्यूब को ओपन किया तो देख सकते हैं यूट्यूब भी बहुत स्लो खोल रहा है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बस दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है, तभी आप जान पाओगे रियलमी C11 में जो हैंगिंग प्रॉब्लम है उसे आप कैसे फास्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कौन सी सेटिंग को कर लेना होगा। दोस्तों केवल हम एक ही सेटिंग आपको यहां बताएंगे, बस आपका फोन एकदम से फास्ट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में चले जाना होगा, ठीक है। रियलमी C11 मोबाइल की सेटिंग में जैसा कि दोस्तों यहां पे इस तरीके का आपका आइकन मिलेगा सेटिंग का, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहां टैप करोगे इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस नजर आ जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से आपको स्क्रॉल करते जाना है। अब दोस्तों यहां पर मैं एक आपको बात बता देता हूं, अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑन करवा भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि डेवलपर ऑप्शन वाइज सभी करवा रहे हैं फिर भी हैंगिंग हो रही है, तो यार ये सभी करा है, सबका अलग अलग है, मैं अपना अलग बताऊंगा, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में ही। दोस्तों आपको नहीं मिला है तो आपको अबाउट फोन पे जाना है। अबाउट फोन पे जाने का दोस्तों यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करना है, बेसमेंट लिखा है इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर इस तरीके से ऊपर ही मिल जाएगा, इस पर आपको बिल्ड नंबर पर कम से कम आपको 7 बार टैप करना है, ठीक है, 7 बार जल्दी जल्दी टैप करना है। जल्दी जल्दी 7 बार टैप करोगे नीचे डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा, एकदम लिख के आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन ऑन अनेबल। दोस्तों इस तरीके से आपको बाहर फिर निकल आना है, इस तरीके से जैसे मैं बाहर निकल आया। अब दोस्तों फिर से आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, जैसे कि मैं आ गया हूं। अब यहां पे आपको नीचे की तरफ जाना है, जैसे कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, यहां पे आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट और लैंग्वेज के जस्ट बीच में एडिशनल सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ जाना है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी के जस्ट नीचे या एक्सेसिबिलिटी के जस्ट नीचे डेवलपर ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां डेवलपर ऑप्शन को ऑन करोगे इस तरीके से ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जाना है, जैसे कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे जो आपको मैं बताऊंगा वो कर देने हैं ऑप्शन, जैसे विंडोज एनिमेशन स्कैम, इस तरीके से ये 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, विंडोज ट्रांजिशन यहाँ पे एनिमेटर, ठीक है, ये 3 मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, इन्हें आपको इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है, इन्हें आपको इस तरीके से बंद कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये 3 आप बंद कर दोगे। आप इन्हें कम भी कर सकते हो, जैसे ये लगा 0.5 इस पर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जितना कम रखोगे या बंद भी कर दोगे उतना फास्ट आपका मोबाइल चलेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे कितनी फास्ट यहाँ पे चलने लगा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, इतनी जल्दी प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। हम किसी भी यूट्यूब को इस तरीके से ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आप यूट्यूब भी इतनी जल्दी ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आप कुछ भी करोगे तो बहुत जल्दी फास्ट चलने लगेगा। दोस्तों इन ऑप्शन को आप कर पा होंगे ईजिली तरीके से, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये ऑप्शन आपके में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इन्हें क्या करना है, 0.5 पे कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया लेकिन आपको 0.5 पे कर लेना है, फिर भी अच्छा ही चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी फालतू का जो वॉलपेपर नहीं लगाना है और यहाँ पे कोई भी आपको थीम नहीं लगानी है, कोई भी यहाँ पे फॉन्ट भी नहीं लगाना है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं ये फॉन्ट आपको हटा देने, कैसे हटाओगे तो आपको थीम्स वाला ऐप मिल जाएगा आपके फ़ोन में ही, जैसे थीम स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मी पे क्लिक कर देना, नीचे की तरफ मी मिल जाएगा, यहाँ पे माई रिसोर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको टैप करना है। इस तरीके से दोस्तों ये देखो आप थीम्स पे हैं तो थीम्स पे डिफॉल्ट कर देनी है, फॉन्ट को भी डिफॉल्ट कर देना है, वॉलपेपर को भी आपको फर्स्ट नंबर वाला ही लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर लोगे तो इजीली तरीके से आपका फोन बहुत ही फास्ट काम करने लगे, जैसा कि दोस्तों करने लगा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपका फोन बहुत ही फास्ट काम करने लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है रियलमी C12, रियलमी C11, रियलमी C15 से संबंधित एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।